अप्पु, एरी अप्पु, चल जग जा लल्ली। तूने मेरा नाम अपेक्षा क्यों रखा? मतलब? अरे ऐसे है ना, तो अटेंडेंस में सबसे पहले मेरा ही नाम आ जाता है। तो नाम बदल ले, चंडू बम रख ले। बच्चों, दसवीं के परिणाम ये बता देते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है। प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहा है? दसवीं को मैथ्स यही पढ़ाता है। कैसा था पहला दिन? वही क्लास वही बुक। तुझे दसवीं में नहीं भेजा? नवीं दसवीं क्या फर्क पड़ता है, बस किताबें थोड़ी मोटी हो जाती है। सही लक्षण रहे ना दीदी, तो मुझे तो नहीं लग रही है वो दसवीं पास कर पाएगी। तू क्या बनना चाहती है? एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो बाई की बेटी क्या बनेगी? दोबारा तूने बाई बनने की बात की है ना, तो धर दूंगी एक कंटाप खींच के। इस देश में तो बच्चों को अपना करियर डिसाइड करने का कोई फ्रीडम ही नहीं है। दीदी ने बात की है तेरे मैथ्स के ट्यूशन लगवाने की। तो पागल तो नहीं हो गई है? अगर मैं मैट्रिक पास भी हो गई तो तेरी हैसियत है मुझे आगे पढ़ाने की? मान लो अप्पू दसवीं पास कर भी गई, क्या कर लेगी? क्योंकि सही में उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाने की मेरी औकात है तो नहीं। इंसान दो चीजों से बनता है, या तो किस्मत या मेहनत। और गरीब के पास किस्मत होती तो वे गरीब थोड़े ही होता। तो बची मेहनत, वही करनी पड़ेगी। खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई और अब अपने सपने मुझ पे थोप रही है। वो तुम पे अपने सपने नहीं थोप रही, उसका तो सपना ही तुम हो। मुझको मैं अच्छी लगती हूँ, तुझको तू कैसी लगती है? अगर तुझे दोबारा पढ़ने का चांस मिले तो? लड़का है या लड़की? नहीं नहीं नहीं, लड़का लड़की नहीं, इन्हें एडमिशन चाहिए। इनको चाहिए जी? कहाँ? यहाँ। Isn't it?